टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनिग्रह है और आज हम देखेंगे कि ये ब्लाउज में मशीन से अस्तर में ये साड़ी का कपड़ा जो कैसे अटैच करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा किसी को मुश्किल लगता है अटैच करना, तो ये कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये पहले सबसे पहले पीछे का पार्ट है और ये साड़ी का जब ब्लाउज पीस हम कटिंग करते हैं तब इसमें हमेशा ये अंदर का कपड़ा मैं सीधा रखता हूँ और ये बाहर जो होता है ये उल्टा होता है। तो सबसे पहले जहाँ से आपको करना है तो ये सीधा हो गया और ये अंदर उल्टा चला गया, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से ये कपड़ा एकदम सीधा हो, किनारी वाला, ये किनारी है इसमें, उसको हम निकाल देंगे कटिंग करके। तो जहाँ से सीधा कपड़ा हो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बैक साइड में, अगर पूरी बैक साइड में आपको करने में मुश्किली होती है तो यहाँ पे बीच में एक कच्ची सिलाई पहले लगा दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि ये दो पार्ट हो जाएंगे पीछे के भाग के, आधा इस साइड आधा इस साइड, तो थोड़ी आसानी रहेगी। तो और यहाँ से जब सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा खींच के देखिए कि ये जो जहाँ पे हमने सुई लगाई है वहाँ से ये सीधा कहाँ पे आ रहा है। तो ये कपड़ा यहाँ से भी ऐसे सीधा होना चाहिए और यहाँ से भी सीधा, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और यहाँ पे ऐसे कच्ची सिलाई ये बाद में निकाल देनी है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हम किनारी निकालने वाले हैं तो ये यहाँ से देख लेना है। और फिर ये नीचे से स्टार्ट कर देना है। और आप इसमें बड़ी सिलाई रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बड़ी सिलाई रखेंगे तो थोड़ा मशीन फास्ट भागेगा, इसके लिए आप छोटी सिलाई रख के ही इसमें लगाएंगे, अटैच करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सीधा कपड़ा आसानी से अटैच हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के देख लीजिए, और ये जहाँ से खींचना है वो ये सीधा कपड़ा ही होना चाहिए, ऐसे क्रॉस में नहीं खींचना है, तो ये अपने आप ही बराबर बैठ जाएगा। और हाथ एकदम फ्री रखना है, ज़्यादा कोई कपड़े को छेड़ना नहीं है, खींचना नहीं है कोई भी कपड़े को, या लूज़ नहीं छोड़ना है, ऐसे ही फ्री हाथ, सिर्फ कपड़ा हिल नहीं जाए इसके लिए हाथ रखना है, बाकी ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना है। और फिर ये यहाँ से भी जब हम करते हैं तो ये यहाँ पे हमने अंगूठा रखा, और यहाँ से भी देख लेना है कि सीधा किस साइड आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जानी है। देखिए ये अपने आप ही यहाँ से गला बैठ गया है, जहाँ पे बैठता हो वहाँ पे बैठने देना है उसको, और सिलाई लगा देनी है, तो ये अपने आप ही बराबर आ जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि ऊपर नीचे सेम सीधा नहीं आता है तो ये चलता है। तो ये पीछे का देखिए ये अपने आप ही इधर बैठ गया है, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेना है ताकि अंदर कपड़ा नहीं रह जाए, तो झोल पड़ेगा अगर रह जाएगा तो। तो ये आधा पार्ट हो गया, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी तो, और आधा पार्ट वापस उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। इसको यहाँ पे अस्तर को ऐसे रखेंगे तो अपने आप ही वो जहाँ पे बैठना होगा वहाँ पे बैठ जाएगा, वो बराबर ही आएगा, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए
तो ये यहाँ से भी बराबर आ गया। तो ऐसे आप सिलाई लगाएंगे तो ये अपने आप ही बराबर बैठेगा। देखिए फिर इसका जो बचा हुआ कपड़ा है वो बाद में कटिंग कर देना है। और अगर आपको कटिंग करने से पहले देखना हो तो यहाँ पे भी आगे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कहीं से भी बराबर आया नहीं हो तो उसको कटिंग कर देना है, या फिर थोड़ा सा खोल के वापस सिलाई लगा देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। कहीं से भी अगर झोल आता हो तो ऐसे इसको पूरे जहाँ जहाँ है वहाँ से कटिंग कर देना है। अब इसके बाद हम ये स्लीव्स है उसको अटैच कर देंगे। तो स्लीव्स में भी ऐसा है कि ये अंदर का पार्ट जो है वो सीधा है और ये बाहर का है वो उल्टा है, तो ये एक अस्तर स्लीव्स का लेके ये दूसरी साइड ले जाना है, तो ये दोनों आमने सामने की स्लीव्स हो जाएगी, नहीं तो दोनों एक साइड की हो जाएगी। तो इसके ऊपर रख के देख लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं, कहीं कम ज़्यादा आए तो उसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे से कम पड़ेगा तो यहाँ से इसको थोड़ा अस्तर का कपड़ा ज़्यादा रख लेते हैं। और इसमें भी ये वाला सीधा पार्ट है तो वहीं से स्टार्ट करना है। देखिए ऐसे ये सीधा पार्ट कर लेंगे तो ये आसानी रहेगी हमें अटैच करने में। और उसके बाद इसको यहाँ से खींच के बराबर कर लेना है, क्योंकि यह साड़ी का कपड़ा है तो भाग जाता है, जहाँ रहना चाहिए वहीं नहीं रहता। फिर इसको भी यहाँ से देखिए अभी इसको कैसे खींचना है, ये यहाँ से ऐसे खींच के देखना है तो ये अपने आप बराबर आ जाएगा, कहीं झोल नहीं आएगा। डायरेक्ट ऐसे ही करने जाएंगे तो नहीं होगा, ये यहाँ पे कपड़ा है तो यहाँ पे ऐसे ये खींचेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीधा आ रहा है, तो ऐसे रख के फिर सिलाई लगा देनी, तो ये अपने आप ही बराबर बैठता जाएगा। पहले यहाँ से सीधा रखना है और ये यहाँ से देखते जाना है ऐसे खींच के, सब जगह पे ऐसे खींच के देखते ही जाना है कि कहाँ कहाँ पे सीधा है, तो उसके हिसाब से आप चलेंगे तो ये अपने आप बराबर ही बैठ जाएगा। देखिए ये बहुत आसानी से स्लीव्स भी बन गई है, इसमें कहीं झोल नहीं आता, ये जहाँ तो क्रीज दिख रही है उसमें प्रेस लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। स्लीव्स लगाने के बाद हम ये इसका आगे का पार्ट है उसको भी दिखा देता हूँ, दूसरी स्लीव्स भी वो किए ऐसे ही कर देने। ये सब पार्ट में ऐसा ही करना है, ये अस्तर होता है उसको एक को नीचे ले जाना है एक को ऊपर रखना है, तो क्या है दोनों आमने सामने के पार्ट अपने आप बन जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है कि एक ही साइड के पार्ट बन जाएंगे तो खोलना पड़ेगा कोई ना कोई। इसमें भी ऐसा ही करना है, ये कोई भी एक आपको जो पसंद हो वहाँ सीधा पार्ट पसंद कर ले, इसमें भी ये या गला या इस साइड से। अभी ये इसमें इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे रख के देख लेना है कि सब जगह पे अस्तर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा हो तो फिर इसको हटा के थोड़ा जहाँ पे कपड़ा आ जाए ऊपर का साड़ी का वहाँ रख के अटैच करना है, नहीं तो उसमें भी वापस गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें भी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो राउंड आया है उसमें ये यहाँ पे देख लेना है थोड़ा कि वहाँ सीधा कपड़ा है कि नहीं, मेन चीज़ यही देख के चलेंगे तो ये बराबर ही बैठते जाएगा अपने आप ही। और हाथ एकदम जैसे मैंने बताया वैसे फ्री रखना, ये यहाँ खड़ा है तो यहाँ पे सीधा, और ये यहाँ पे ऐसे आड़ा है तो यहाँ पे भी ये सीधा कपड़ा होना चाहिए। और फिर वैसे ही यहाँ भी ऐसे खींच के देख लेना है, ये सीधा कपड़ा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ सीधा है तो यहाँ पे ऐसे सीधा ही रहना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे इतना क्रॉस है, ये वो क्रॉस में हम सिलाई लगा देंगे तो ये बराबर बैठेगा नहीं इसके लिए, और फिर ये यहाँ से भी ऐसे खींच के देख लेना है ऐसे सीधा ही होना चाहिए। बस आप सिर्फ ये ध्यान रखते जाएंगे तो ये देखिए ये यहाँ से कपड़ा इसको नीचे ले लेना है, ये ऐसे चला जाए तो इसको यहाँ से ले लेना है और यहाँ से ऐसे खींच के देखते जाना है। तो ये देखिए
तो ये अपने आप ही बराबर बैठते जाएगा। तो ये आगे का पार्ट भी हो गया। उसके बाद हम ये कटोरी देख लेते हैं। तो कटोरी में भी जो ये टक्स का मार्किंग है वो बाहर है, इसके लिए हम नीचे का पार्ट निकाल के इसके नीचे जाने देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। पहले एक कर लेते हैं अटैच, उसके बाद दूसरी कर लेनी है। मैं एक एक ही पार्ट अटैच करके दिखा रहा हूँ तो आपको दूसरे का आइडिया आ जाएगा। बस इसमें भी वैसे ही ये राउंड जहाँ पे होता है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कटोरी में। तो इसको भी ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये सीधा रहना चाहिए, इतना देख लेना है। यहाँ नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर सीधा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे राउंड है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, ये सीधा रखा है मैंने। उसके बाद ये पूरे में ऐसे ही देखते जाना है। ये यहाँ पे हमने सीधा रखा है तो उसके हिसाब से यहाँ देखते जाना है। देखिए ये ऐसे रखेंगे इसका अस्तर का कपड़ा तो अपने आप ही बराबर बैठेगा, कहीं हिल नहीं रहा है। पर हाथ एकदम फ्री रखना है, बस वो पहले मैंने जो बताया। अब यहाँ से देखना है, ये वाला पार्ट एकदम क्रॉस होता है तो ये यहाँ से देखना है कि ये सीधा है तो ये बराबर है। अगर सीधा नहीं हो तो ये वाली सिलाई थोड़ी सी नीचे की खोलनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट पे भी यहाँ देख लेना है, यहाँ पे सीधा है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको कुछ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ही यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसमें सिलाई लगा देनी है। और लास्ट में नीचे का बेल्ट है, उसको भी एक नीचे ले जाना है, एक ऊपर रखना है। और यह तो बहुत आसान है। जो मेन चीज थी कटोरी और पीछे का बाक्स स्लीव्स, ये सब मैंने पहले बता दिया, फिर भी ये भी बता देता हूँ। ये यहाँ पे सीधा है, ये तो पूरा ही, क्योंकि ऊपर नीचे सीधा है, दोनों साइड सीधा है, तो अब आराम से फटाफट बैठ जाएगा। तो ये सीधे में एक सीधी सिलाई लगा दी और यहाँ से थोड़ी ये क्रॉस है बस, बाकी तो ये पूरा सीधा ही है। बस ऐसे सिर्फ इसको हाथ से ऐसे करते जाना है तो अंदर, ताकि ऐसे कपड़ा दबा हो वो बाहर आ जाए और अंदर झोल नहीं पड़े। देखिए तो ये बहुत ही आसानी से अटैच हो गया, ये भी और ये कटोरी भी। तो देखिए ये कटोरी हमने की है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें झोल दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा लगे ये जहाँ से बराबर है सब जगह से, ये इतने में झोल है, तो आप यहाँ से इतनी सिलाई खोल दीजिए और वापस ऐसा हो तो सीधी साइड से लगा दीजिए तो ये झोल निकल जाएगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये जहाँ तक आपको लगे कि बराबर है नहीं, झोल आ रहा है, वहाँ तक आप, क्योंकि हम उल्टी साइड से लगाते हैं तो कभी कभार बाहर ऐसे रह जाता है, तो ये यहाँ से लगा दीजिए। तो ये देखिए इसका झोल निकल गया, बराबर है। तो बस ऐसे ही सब पार्ट अटैच करना है और बाकी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कटिंग कर देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।